जय गुरुदेव। वाह ब्यूटीफुल स्माइल, कितना प्यारा है। एक छोटी सी मुस्कुराहट बॉडी माइंड को एक पल में रिलैक्स कर दी, एक सुकून का एहसास होने लगता है। सो यही संकल्प है, यह हमारी मुस्कुराहट हर पल हर परिस्थिति में जो भी संबल संपर्क में आए उसके साथ बनी रहे। स्टार्ट द सेशन विद ओंकारा। सांस गहरी शक्तियों के अंदर चांद कमर दर्द गर्दन दर्द सभी लोग कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सुविधा क्षमता के अनुसार अपनी बॉडी को आगे या पीछे सुकून अनुभव करते हुए चलना है। आप ओकरू नहीं बैठ सकते हैं, आप उसी समय सिर्फ फुट पोस्चर में आ जाओ। ओकरू बैठ सकते हैं तो वह लैंग्वेज। सो दोनों हाथ थाइस पे, पूरा ध्यान हील्स पे देते हुए अपने टोस से एक्यूप्रेशर लेते हो। सांस ले ही साथ ऊपर। आपकी हील्स अगर तकलीफ दे रही है तो आप हील्स पैरों में थोड़ा फासला भी ले सकते हैं और हील्स को नीचे भी रख सकते हैं। हील्स ऊपर उठाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। हील्स अप चेयर पोज, फिर धीरे धीरे जो कर सकते हैं ओकरू बैठेंगे। नमस्कार, घुटनों को बाहर करते हुए हील्स को अप करते हुए, अगेन हील्स नीचे हो जाती है। आप ओकरू नहीं बैठ सकते हैं, वहीं से हाथ पैरों पे फुट पोस्चर में आ जाए। यहीं से धीरे धीरे हल्का सा हील्स को करते हुए चेयर एंड हील्स को आप नीचे रख सकते हैं। अगेन तरासन से धीरे धीरे चेयर, स्लोली मल स्थिति, धीरे धीरे चेयर तरासन। एक टाइम मैं फुट पोस्चर का भी करती हूँ, जो ओकरू नहीं कर सकते हैं वो मल को फुट पोस्चर में करेंगे। चेयर और फुट पोस्चर,
जितना हो जाता है। फिर चेयर, तारासन, चेयर या फुट पोस्चर, हाथ नीचे करें या मलासन, इसी तरह 2 times और करेंगे। स्लोली चेयर, धीरे से तारासन, धीरे से चेयर, धीरे से मलासन, फाइनल होल्डिंग के साथ छाएंगे। धीरे से चेयर, धीरे से तारासन, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 से स्लोली चेयर, 1, 2, 3, 4, 5 स्लोली मल स्थिति, 1, 2, 3, 4, 5 धीरे धीरे हिल्स डाउन, स्लोली तारासन, बॉडी का बैलेंस, धीरे से पैर मिला, स्लोली साइड से हाथ नीचे, अपने नाभि से बॉडी को, पेट के कोर को मजबूत करते हुए अब उसी तरह वेस्ट लाइन से भी जुड़ना है। अब इस परिवर्ता की हल्की सी वेरिएशन, साइड्स को जोड़ते हुए पैर मिले हुए हैं, हाथ शोल्डर लेवल, पैरों के बरोबर एरिया अंगुष्ठी मिलाते हुए, ट्विस्ट योर बॉडी लेफ्ट लेफ्ट, पैरों को नहीं हिलाना है, पैरों के पंजों को धरती मार के और दबाते हुए स्पाइन से ट्विस्ट होते हुए धीरे धीरे अपने राइट हाथ को नीचे रखें। जिनका हाथ नहीं पहुंचता है, हल्का सा घुटनों से झुकें या अपने हाथ को अपने काफ पे, घुटने पे, जहां पे भी, नहीं तो अपने बाजू में एक बॉक्स रखें, ईंट रखें, उसके ऊपर रखें, जैसे भी आपको सहज आता है। अब जो हमारा हाथ नीचे है, जो दूसरा लेफ्ट हाथ शोल्डर लेवल ले सकते हैं तो रखें। अगर थोड़ा भी किसी भी तरह का खिंचाव महसूस होता है तो अपने लेफ्ट हाथ को पीठ पे रखें। फिर राइट हाथ से स्विंग होना है, ऊपर उठना है, वापस नीचे आना है, फाइव टाइम। इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, परिवर्ता। इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 स्लोली अप। थक जाते हैं आप बीच में हाथों को नीचे रखते हुए फिर से जुड़ना है, जो डायरेक्ट कर सकते हैं करें, हर क्रिया को अपनी क्षमता से, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट है। लेफ्ट साइड से अब राइट साइड बॉडी को मोड़ना है, राइट हाथ वहीं पे, लेफ्ट हाथ नीचे ले आए, आप अपने राइट साइड ईट रखें, बॉक्स रखें, अपने टांग को पकड़े जहां तक आप जा सकते हैं। अब लेफ्ट हाथ से अप एंड डाउन होना है, कमर से ट्विस्ट होते हुए, इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, इनहेल अप। सरलता से, धैर्यता से, स्लोली एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यही क्रिया पैरों में फासला लेते हुए
परिवर्ता प्रॉपर जो ओरिजिनल आता है। पैरों में अपनी सुविधा क्षमता से मैक्सिमम डिस्टेंस रखते हुए अगेन ट्विस्ट होने के बाद जब झुकते हैं साइड में कुछ भी रखो, ईट रखो, ब्रिक रखो, बॉक्स रखो, अपनी टांग को जैसे भी मेन है। कमर से ट्विस्ट होना और नीचे झुकना, अपनी बाहों की स्थिति अपनी सुविधा से रिलैक्स रखते हुए हाथ शोल्डर लेवल, बाहों को पीछे श्वास भरी, ट्विस्ट राइट साइड, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। पूरा ट्विस्ट होने के बाद अगेन लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर, अगेन फाइव टाइम अप एंड डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, पूरा स्पाइन कवर हो रहा है। इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन होल्ड। 1 2 3 4 5 इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट, लेफ्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, राइट हाथ नीचे, इनहेल राइट हाथ से ऊपर सेंटर, एक्सहेल ट्विस्ट एंड डाउन, इनहेल अप सेंटर, ट्विस्ट डाउन, अप सेंटर। बाहों को थोड़ा पीछे फेंकते हुए छाती का विस्तार लेना है, ट्विस्ट डाउन, अप सेंटर, ट्विस्ट डाउन होल्ड। 1 2 3 4 5 अप सेंटर, हाथ ऊपर, पैरों को मिलाए, शोल्डर रोटेशन लेते हुए नमस्कार, आंखें बंद, सांसों को बॉडी को ढीला रखते हुए सूर्य नमस्कार। एकम सांस अंदर, दो पैर, द्वितीय फुट पोस्चर, जिनका जितना होता है तिरणीय नहीं होता है, चेयर पे बैठते हुए, नीचे बैठते हुए, वॉल का सपोर्ट लेते हुए, चतुरी घुटने नीचे शशां, आगे आके अष्टां, इनहेल भुजां, एक्सहेल पर्वत, अगेन शशां, राइट पैर आगे, लेफ्ट आगे, गो बैक एंड नमस्कार। रिपीट, एकम द्वितीय, राइट पीछे, लेफ्ट पीछे, घुटने नीचे शशां, आगे आके चेस्ट, भुजंग, पर्वत, शशां, राइट पैर आगे, लेफ्ट आगे, गो बैक एंड नमस्कार। स्लोली आ जाए लेग स्ट्रेच, बॉडी को आंखें बंद रखते हुए ढीला ढीला और शिथिल, सांसों को बहुत नमन, जितना जिनसे होता है उनके शरीर के लिए उतनी ही नीड है, बार बार याद रखें।
पर एफर्ट्स जरूर डालें कि मुझे थोड़ा ट्राई जरूर करना है। फिर किसी भी तरह का डाउट आता है, कम समय करें लेकिन शुरू जरूर करें। सभी लोग सभी क्रियाएं जरूर कर सकते हैं। अभी बॉडी के बिग ज्वाइंट्स, एंकल रोटेशन, डीप ब्रीथिंग से रिवर्स उल्टा, छोटी छोटी क्रियाएं, सरल क्रियाएं बहुत लाभदायक है। और ये क्रियाएं किसी भी समय कहीं पे भी बैठते भी सो के बैठते खड़े कर सकते हैं। राइट लेग को हल्का सा आधा इंच एक इंच ऊपर उठाएं, टोस दोनों अंदर करें, ऐसे महसूस करें जैसे घुटना दर्द दिमाग की ओर जा रहा है, सिर्फ हमने पैर को हल्का सा ऊपर उठाया। हिप ज्वाइंट अलग ब्यूटीफुल टोनिंग है। वाहे, विजुलाइज करो घुटना दर्द दिमाग की ओर जा रहा है, टोस अंदर। स्लोली पैर, लेफ्ट पैर को हल्का सा थोड़ा सा ऊपर उठाओ, हल्का सा टोस को अंदर खींचो और घुटने को दर्द दिमाग से टच करने की कोशिश करो। घुटना नहीं उठाते हुए सिर्फ पैर बाहर महसूस करें, घुटना जा रहा है धरती माँ से, एरी धरती माँ से ऊपर, साइटिका तलकते जाओ एंड बैक। घुटना मोड़ते हुए नी रोटेशन, वन टू टोज अंदर। बार बार जब भी रोटेशन पैरों को बैठ के वे करते हैं ना, टोस अंदर करने से बरोबर हमारी साइटिका, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट सभी कवर होते हैं। रिवर्स पैर को हक कर, हक करो घुटने को पेट की ओर, दबाएं, प्रेस प्रेस, ऐसे दबाएं जैसे आप बटक से ऊपर उठ रहे हैं। घुटने को प्रेस, धीरे धीरे पैर पैर के पास, लेफ्ट लेग, टोस अंदर, अपनी 90 एंगल बनाते हुए नी रोटेशन। रिवर्स घुटने को प्रेस पेट की ओर, महसूस करें जैसे आप बटक से ऊपर उठ रहे हैं, घुटने का दबाव पेट की ओर भर रहा है। स्लोली पैर को रिलीज, पैर को रिलीज करते हुए आप पूरी तरह से हाथ कमर के पास, थोड़ा पैरों में फासला, हल्का सा वेस्ट रोटेशन लें। आप चाहे तो स्वयं जो हल्की सी वेरिएशन है आप चक्की की तरह भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने इंटरनल ऑर्गन्स को देखें। आप वेस्ट को पेट को अंदर खींच रहे हैं, राइट साइड से आगे शक्ति का विस्तार, पेट को अंदर खींचो, पेट को अंदर, रिवर्स पेट से आगे लेफ्ट। मैंने शंका की, सिंपल चक्की चलाओ, सिंपल नाव चलाओ, जैसे आप नाव बोट को चला रहे हैं या चक्की चला रहे हैं, या सिंपल रिलैक्स करते हुए इंटरनल ऑर्गन्स को फील करो, पेट को अंदर बाहर। अब हिप ज्वाइंट्स के लिए थोड़ा सा बॉडी को ऊपर साइड कर, धीमी धीमी सांस छोड़ दी, स्लो करना है, धैर्यता से करना है, बॉडी को एंजॉय करते हुए थकाना नहीं। स्लोली स्टॉप, इसी स्थिति में अब अपने स्पाइन को भी टोनिंग करनी है, पेट को अंदर, चिन को लॉक, पेट को बाहर करने, पीछे गर्दन पीछे,
टाइगर ब्रीदिंग की तरह पेट को अंदर खींचो खींचो खींचो, एनस को ऊपर शुरू करना, पेट छाती को बाहर, गर्दन को पीछे, कंटिन्यू फील द स्पाइन, फील द हार्ट, लिवर, लंग्स, थायराइड ग्लैंड्स, खींचो पेट को अंदर, एनस को ऊपर, चिन को गर्दन की खड़ी में, कैमल पोज की तरह, पेट को बाहर बाहर, छाती को बाहर, कंधे पीछे, गर्दन को पीछे गिरा, कंटिन्यू टू टाइम्स मोर, धीरे से रुकना है, स्पाइन का होल्डिंग, हाथ शोल्डर लेविंग, पैर मिले हुए, बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट, राइट हाथ जितना पीछे जाता है, लेफ्ट हाथ जितना पीछे जाता है, राइट हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़, होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव, सेंटर ट्विस्ट, राइट लेफ्ट हाथ से राइट पैर को पकड़े, हाथ पैर पे नहीं पहुंचता है, आप कहां पे भी रख सकते हैं, पेट पे रख सकते हैं, घुटने पे रख सकते हैं, जिनका थोड़ा भाग पहुंचता है, वेल एंड गुड। फिर राइट हाथ को मैक्सिमम पीछे करते हुए नीचे रखें, वन टू थ्री फोर फाइव, सेंटर सेम, अब हाथ ऊपर, पैर मिली हुई, अपने राइट हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़े, अपोजिट पकड़े, जो हाथ ऊपर है उससे राइट साइड झुके, हाथ अगेन नहीं पहुंचता है, आप कहीं पे भी, पीठ पे भी रख सकते हैं, थाई पे, पेट पे, पैर पे, टोस को अंदर करते हुए आप राइट साइड झुक रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ से राइट पैर को पकड़े, टोज अंदर, राइट बम कान के पीछे करते हुए झुकना है, लेफ्ट साइड गर्दन, राइट साइड, वन टू थ्री फोर फाइव, गर्दन पीछे, पैरों को पकड़े, टोज अंदर, जाए पश्चिमोत्तान नीचे, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल साइड से हाथ नीचे, सरलता से आना है पेट के बल, पेट के बल, पैर मिले हुए, हाथ सामने, हाथों पैरों को हल्का सा अपोजिट स्ट्रेच, माथे को नीचे, पैरों को टोस को बाहर, हाथों से आगे होते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है, नौका स्थिति, उठाएं हाथ पैर गर्दन, हाथों से कोई आगे खींच रहा है, आगे आप रीच रीच रीच, पैरों से और ऊपर, टोस बाहर, वन टू थ्री फोर फाइव, शोल्डर लेवल, पैरों को भी खोले, हाथों को भी फैलाए, विमान स्थिति, वन टू थ्री फोर फाइव, हाथ पीछे पीछे और पीछे मिलाने की कोशिश करें, वन टू थ्री फोर फाइव, घुटने मोरे, धनुर्गियो, पैरों को पकड़े, जिनके हाथ नहीं पहुंचते हैं पीठ पे रखते हैं, उठाएं बॉडी ऊपर, अब इसी स्थिति में
बिना आवाज के मुख को आंखों को खोलते हुए से आकड़ दी। सांस भरे छोरे होल्ड, मुख को भी जीवा को भी बाहर खींचे, आंखों को भी वाइडली ओपन करे होल्ड। वन टू थ्री फोर ओपन ओपन वाइडली ओपन स्लोली डाउन। धीरे धीरे सरलता से पीठ के बल बहुत स्लो हर क्रिया को अवेयरनेस में धैर्यता से पैर मिले हुए हाथ कमर के पास ध्यान स्पाइन की ओर लेफ्ट आर्म के ऊपर राइट क्रॉस कृष्ण भगवान की तरह टोस को बाहर पैरों का क्रॉस है लेफ्ट के ऊपर राइट पैर है हाथ कमर के पास है कृष्ण भगवान की तरह पैरों को रखते हुए धीरे धीरे पहले गर्दन को लेफ्ट साइड गिराएं फिर धीरे धीरे पैरों को राइट साइड घुराएं गर्दन लेफ्ट साइड पैर राइट साइड पूरे प्रोसेस में ध्यान देना कि एक साइड पैर जाएंगे दूसरे साइड गर्दन आएगा फिर धीरे धीरे जितना अपनी क्षमता से कमर को उठा सकते हैं होल्ड वन टू थ्री फोर वहीं पे पैर को नहीं गिराना पैर वहीं क्रॉस में सेंटर में अब यही पैर लेफ्ट के ऊपर जो राइट है वो पैरों को ले लेफ्ट साइड गर्दन को ले राइट पैरों को ले लेफ्ट साइड गर्दन राइट साइड अगेन कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करें आप लोअर सेक्शन ऑफ द स्पाइन टेल बोन को पूरी तरह निचोड़ दें वन घुटनों को नहीं उठाना है पैरों को बाहर करते हुए टांगों को लंबा करने की कोशिश करें फोर फाइव धीरे धीरे सेंटर स्लोली पैर को चेंज अब राइट के ऊपर लेफ्ट सेम दोनों साइड लेफ्ट साइड गर्दन राइट साइड पैर धीरे धीरे उठाएं कमर को ऊपर पैरों को टांगों को बाहर स्ट्रेच करते हुए स्पाइन को महसूस करते हुए टू थ्री फोर धीरे धीरे कमर सीधा पैर वहीं पे राइट के ऊपर लेफ्ट अब लेफ्ट साइड पैर राइट साइड गर्दन कमर को ऊपर उठाएं टू थ्री फोर फाइव सेंटर अब लेफ्ट पैर नीचे है राइट पैर को ऊपर उठाएं लेफ्ट पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में रखें बहुत सरल है हल्की सी वेरिएशन हमारे नीचे से टेल बोन से लंबर से थोड़ा से ऊपर जाएगी अब नीचे के थ्री बोन्स के बाद लंबर के नी फोर और फाइव बोन की ओर बढ़ चुके हैं अंगूठे उंगली में एरी को फंसाना है एक टाइम फिर से लेफ्ट साइड गर्दन राइट साइड पैर कमर को ऊपर कंधे नहीं उठाने हैं वन टू थ्री फोर फाइव पैर वहीं पे सेंटर ले पैरों को इसी ऊपर स्थिति में लेफ्ट साइड पैर राइट साइड गर्दन कमर का निचोड़ स्पाइन को मोड़ते हुए टू थ्री फोर फाइव धीरे से सेंटर पैर को चेंज राइट के ऊपर लेफ्ट पैर अंगूठे उंगली में एरी को फंसाते हुए गर्दन लेफ्ट साइड पैर राइट साइड कंधों को न उठाते हुए कमर को ऊपर टू थ्री फोर फाइव
फार सेंटर, पैर वहीं से, लेफ्ट साइड पैर, राइट साइड गर्दन, ट्विस्ट, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटर, पैर को नीचे, धीरे से राइट पैर को मोड़े, राइट पैर अपना राइट लेफ्ट घुटने के पास अंदर किया, हाथ शोल्डर लेवल, सेम स्थिति, हमारा लेफ्ट साइड गर्दन, राइट साइड पैर घुटने को नीचे गिराएं, टोस को बाहर करें, कमर को ऊपर उठाएं, लेफ्ट साइड गर्दन, राइट साइड घुटना नीचे, कमर को ऊपर, बाहें शोल्डर लेवल स्ट्रेट, कंधे धरती मां से टच, धीरे से सेंटर, यही घुटना, अब लेफ्ट साइड ले जाएं, राइट साइड गर्दन, ध्यान दे पूरे पैर को ऊपर नहीं उठाए, हल्का सा पैर का साइड पंजा उठेगा, 1, 2, 3 कंधे नहीं, 5 धीरे धीरे इसी पैर को राइट को घुटने के ऊपर रखें, पहले घुटने के अंदर था, अब घुटने के ऊपर ले जाए घुटना, लेफ्ट साइड गर्दन, राइट साइड, 1 कमर को उठाओ लंबर से ऊपर, ब्यूटीफुल फॉर द होल स्पाइन, 3, 4, 5 सेंटर, इसी पैर को घुटने को बाहर रख, पैर को घुटने के बाहर, सेम किया, राइट साइड गर्दन, लेफ्ट साइड घुटना, कंधे नीचे, कमर को ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5 धीरे धीरे पैर पैर के पास, धीरे से लेफ्ट पैर को मोड़े, लेफ्ट पैर राइट घुटने के पास, गर्दन हमारा लेफ्ट साइड, घुटना राइट साइड, ट्विस्ट, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटर, घुटने को गिराएं लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, कमर को ऊपर उठाते हुए, कंधों को नहीं, शोल्डर ब्लेड्स धरती मां से पूरी तरह बाहों के साथ 180 डिग्री बनाते हुए, 2, 3 कमर ऊपर, 5, 4, 5 धीरे धीरे सेंटर, रखे पैर को घुटने के ऊपर, हल्का सा घुटने को प्रेस करते हुए, टोस को अंदर करते हुए, गर्दन लेफ्ट साइड, घुटना राइट साइड, कमर में निचोड़, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटर, इसी पैर को घुटने के बाहर रखें, ले जाए घुटना राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, कमर को उठाए, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटर, धीरे धीरे पैर पैर के पास, हाथ पीछे, भुजाओं को पकड़े, स्वस्तिक बंद बनाए, भुजाओं को पकड़ते हुए दोनों पैरों को मोड़े, लगाए अपने एरिया बटक से, पैरों घुटनों में फासला 12 से 15 इंच का, अपर सेक्शन, धीरे धीरे घुटनों को गिराएं, पहले दोनों घुटने गिराएं राइट साइड,
आपका लेफ्ट घुटना राइट पैर को टच हो रहा है। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 सेंटर, दोनों घुटने गिराए लेफ्ट साइड, हल्का सा थोड़ा सा गर्दन राइट साइड मुड़ता है तो मोड़े, चाहे तो सेंटर में रखे। मैक्सिमम ध्यान देना है घुटनों को धरती मां से टच करने की, और हमारा राइट घुटना लेफ्ट पैर को टच हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 सेंटर, ले घुटने पेट की ओर, गिराए घुटनों को लेफ्ट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, पैरों को खोले जठर परिवर्तन। 1, 2, 3, 4, 5 घुटने पहले मोरे, ले छाती की ओर मैक्सिमम ऊपर ले, फिर घुटनों को मैक्सिमम छाती की ओर लेते हुए ले जाए घुटनों को लेफ्ट साइड, फिर पैरों को खोले। 1, हल्का सा गर्दन जाता है तो जाने दे राइट साइड। 2, 3, 4, 5 पहले घुटने मोरे सेंटर, हाथों से हक करें घुटनों का दबाव पेट की ओर, प्रेस प्रेस प्रेस, हाथ कमर के पास, पैर नीचे, धीरे से पैरों को रिलीज, शवासन स्थिति, शरीर ढीला, ध्यान स्पाइन की ओर, पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम हमने पिलर ऑफ द बॉडी को कवर किया है। बहुत सारी वेरिएशन हम इसमें कर सकते हैं, कोई भी इनमें से एक एक्सरसाइज भी आपको याद पड़ती है तो स्पाइन के किसी भी डिफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं। स्पाइन में हर समय याद रखें, एक साइड गर्दन, दूसरे साइड दूसरा आधा पोस्चर, ब्यूटीफुल ट्विस्टिंग देते हुए स्पाइन को रिचार्ज करना है। शरीर को ढीला अनुभव करते हुए पैर से सर तलक, एक श्वासों की ऊर्जा हर नस नाड़ी में अनुभव करें। जब बहुत आप रिलैक्स महसूस करें, बहुत सरलता से राइट साइड टर्न होके रुके, धीरे धीरे बहुत सरलता से आंखों को बंद रखते हुए आ जाए वज्रासन। हर समय एक अवेयरनेस जरूरी है कि बॉडी को थोड़ा भी जर्क नहीं देना है। एक स्टेप मिस हो जाता है, वेल एंड गुड, कोई नहीं कर सकते हैं, और भी अच्छी बात है, मेरे शरीर को उसकी जरूरत ही नहीं है। हर क्रिया को सरलता से, अवेयरनेस से, और एक हर क्रिया में सुकून अनुभव करते हुए आप पीठ का, दीवार का सपोर्ट ले, चेयर पे बैठे, लेट के करें, सिर्फ करें। धीरे धीरे अपनी आप क्षमता जरूर बढ़ जाती है, एफर्ट्स डालते रहना है। मेरुदंड मुद्रा स्पाइन के लिए बहुत ब्यूटीफुल है। अंगूठे को छत की ओर लेते हुए जुड़ जाए कपाल भाति की ओर, ध्यान अपना रीढ़ की हड्डी को देते हुए, हल्के से कंधे पीछे, हल्का सा चिन बाहर, और जुड़ जाए कपाल भाति।
कंटिन्यू रखना है एक ब्यूटीफुल स्माइल लेते हुए। अपने आप को महसूस करें, तब जाते हैं एक दो सेकंड रुके, फिर से जुड़े, कमर से गर्दन से झुक जाते हैं, चेक करें फिर से सीधे हो जाए। मैक्सिमम नहीं, पूरा समय आंखों को बंद रखते हुए करें, पर जब मन में डाउट आता है, नहीं समझ में आता है, उस समय करो मत, सिर्फ सामने वाले को देखो, अच्छी तरह से समझो, फिर करते समय आंखों को बंद रखते हुए करना है। करना भी देखना भी नहीं समझ में आता है, आप 50% समझते हैं, 50% रॉन्ग हो जाता है, इसलिए करने करते समय आंखों को बंद रखते हुए अपने आप को हर समय महसूसता के साथ करना है। फिर डाउट आता है, नहीं समझ में आता है, बरोबर अवेयरनेस से सामने को बराबर देखें, पूरी तरह उसको समझने के बाद शुरू करें। धीर से श्वास बाहें, मुद्रा लगी रहे, अंगूठा बीच बीच में झुक जाता है, फिर से ऊपर करें, दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर, धीर से बाहें, श्वास अंदर लेके अंदर रोकना है, 4 सेकंड का ले, 4 सेकंड रोके, बाहर निकाल के बाहर रोके, अंदर लेके अंदर रोके, बाहर निकाल के बाहर रोके, अंदर लेके अंदर रोके, बाहर निकाल के बाहर रोके, अंदर लेके अंदर रोके, मैक्सिमम रोकने की कोशिश करें, ब्यूटीफुली फ्रिक्शन हो रही है नसों की, बाहर निकाल के बाहर रोके। रोकने का मतलब है सिर्फ महसूस करो कि मेरी सांस बाहर 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 आ जा रही है, कोई ताकत नहीं लगानी है, सिर्फ विजुलाइज करना है कि जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है, पेट अंदर 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 पीठ से लग रहा है, नसें दब रही है, अंदर लेके अंदर रोके, बस विजुलाइज करें मेरी सांस और अंदर और अंदर और अंदर 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 महसूस करें, नसें ओवरफ्लो हो रही है, नसों पे हल्का सा दबाव महसूस हो रहा है, ओवरफ्लो होना, नसों का फुलना, फिर छोरे, नसों का दबना, हर तरह की टॉक्सिन्स तनाव का बाहर निकलना, बाहर 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 बाहर, अंदर 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 अंदर, जैसे जैसे सांस अंदर, शक्तियों का हर नस नारियों में फैलना, पेट का छाती का फुलना, शक्तियों का फैलना, बाहर 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 बाहर, दुर्बलता बाहर, व्याधियां बाहर, नसों का दबना, हर तरह की टॉक्सिन्स को बाहर फेंकना, सांस धीमी अंदर,
धीमी बाहे। इसी स्थिति में जीवा को तारों से लगाते हुए मकार चांटिंग अपने आप तीन टाइम सांस ले, जीवा तारों की ओर चांट, कंटिन्यू रखें सांस लेना मकार चांटिंग, ध्यान स्पाइन की ओर, मुद्रा लगी हुई है। इसी मुद्रा से ओम चांटिंग, सांस ले चांट ओ। मुद्रा को रिलीज, हाथों का घर्षण, चेहरे को सहला।